भाजपा राज्य सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अब राज्य की उपराजधानी में ही सिविल लाइंस में बने पुलिस मुख्यालय के उद्घाटन को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा है। इस पुलिस भवन का भूमि पूजन भाजपा सरकार ने किया था, लेकिन उद्घाटन आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। कार्यक्रम की पत्रिका में भाजपा नेताओं के जो नाम छपे हैं, उनसे आघाड़ी सरकार ने अनुमति ही नहीं ली, यह आरोप पूर्व विधायक गिरीश व्यास इन्होंने आज संवाददाता सम्मेलन में लगाए। व्यास ने कहा कि विरोधी पक्ष नेता को हमेशा से ही अपमानित करती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पुलिस आयुक्त कार्यालय का भूमि पूजन सन 2018 में किया गया था, जिसके कारण आज यह भवन तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन किया जा रहा है। लेकिन विरोधी पक्ष को इस सरकार ने अपमानित करने का काम किया है। इसके कारण आज उद्घाटित होने वाले पुलिस भवन के कार्यक्रम का हम सभी विधायक व सांसद निषेध करते हैं। व्यास ने कहा, नागपुर शहर पालक मंत्री की देखरेख में यह निमंत्रण पत्रिका छपवाई गई। जिस निमंत्रण पत्रिका में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल आदि के नाम ऊपर में रखे गए हैं, जबकि विधानसभा विरोधी पक्ष के नेता व नागपुर से दक्षिण पश्चिम विधायक देवेंद्र फडणवीस का नाम नीचे रखा गया है। उन्होंने बताया कि भाजपा के किसी भी विधायक व सांसद का नाम डालने से पहले समय नहीं लिया गया, जबकि केंद्रीय मंत्री व परिवहन महामार्ग विभाग भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी से भी समय नहीं लिया गया। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया भूमि पूजन के बाद आज जो इसका उद्घाटन किया जा रहा है, हम सभी सांसद व विधायक इसका निषेध करते हैं। उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या उपस्थितीत यांच्या हस्ते दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जे गृहमंत्री पालकमंत्री डॉक्टर नितीन राऊत आहेत आणि पत्रिकेमध्ये छापल्याप्रमाणे अन्य मंत्री आहेत, शिवाय त्यामध्ये केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी यांचं देखील नाव पत्रिकेमध्ये दिलेलं आहे। पण आमचा निषेध या पत्रिकेच्या संदर्भात आणि या कार्यक्रमावर असा आहे की सर्वप्रथम माननीय देवेंद्रजींना ही जी पत्रिका पाठवली, या पत्रिकेच्या मुखपृष्ठावरच त्यांचा अपमान करण्याचा प्रयत्न या आघाडी सरकारच्या माध्यमातून हे अधिकारी वर्गही करतायत, हे देखील त्याच्यामध्ये सामील आहेत असं मला वाटतं। आघाडी सरकार द्वारा इस तरह का काम किया गया, यह कार्य दुर्भाग्यपूर्ण है और यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। इस पत्र परिषद में पूर्व विधायक गिरीश व्यास, भाजपा नेता संजय भेंडे, धर्मपाल मिश्रा व शहर मीडिया प्रभारी चंदन गोस्वामी आदि उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।